कोरोना फाइटर टीम ने गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के बचाव की जानकारी दी। भरतपुर में दिनांक 12 मई 2020 को कोरोना फाइटर टीम ग्राम पंचायत इकरन पहुंची और लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में बताया और लोगों को मास्क भी वितरित किए तथा वहां के सरपंच नेम सिंह ने बताया कि हम लोगों को समय समय पर कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, समय समय पर सैनिटाइज करवा भी रहे हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम सरकारी विद्यालय में क्वारंटाइन कर रहे हैं। और कोरोना फाइटर टीम जिला युवा मंत्री लोकेंद्र सैनी, कुलदीप खंडेलवाल, गजेंद्र सैनी, उमेश सैनी मौजूद रहे। कोरोना फाइटर टीम ने गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के बचाव की जानकारी दी। भरतपुर में दिनांक 12 मई 2020 को कोरोना फाइटर्स टीम ग्राम पंचायत इकरन पहुंची और लोगों को कोरोना के बचाव के बारे में बताया और लोगों को मास्क भी वितरित किए गए तथा वहां के सरपंच नेम सिंह ने बताया कि हम लोगों को समय समय पर कोरोना के बारे में जानकारी दे रहे हैं, समय समय पर सैनिटाइज भी करवा रहे हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम सरकारी विद्यालय में क्वारंटाइन करवा रहे हैं। और कोरोना फाइटर्स टीम जिला युवा मंत्री लोकेंद्र सैनी, कुलदीप खंडेलवाल, गजेंद्र सैनी, उमेश सैनी मौजूद रहे। फाइटर्स टीम ने कुछ गरीब परिवारों को राशन भी वितरित किए। भरतपुर से संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। तो ग्राम पंचायत इकरन के गांव इकरन में आप किस तरह के लोगों की मदद कर रहे हैं सर? हम की कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को, दोस्तों को बहुत परेशान है और गांव के अंदर हम इसलिए आए क्योंकि गांव को थोड़ा सा जैसे मास्क नहीं है, किसी पे मास्क बांटना है, दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ साबुन से धोएं, इसलिए गाँव के अंदर आए समझाने गाँव। तो आप यहाँ क्षेत्रीय सरपंच हैं ग्राम पंचायत इकरन के, तो सर अभी तक किस तरह की मदद गांव के लोगों तक पहुंच पाई है? सर स्टार्टिंग से जब भी कोरोना के लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था तो उसी समय क्या है, हमने गांव के कुछ 60 से 65 परिवार इस तरीके के चिन्हित किए थे कि जिन्हें खाने पीने के सामान की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उन लोगों में रिक्शा चलाने वाले दिहाड़ी मजदूर जो सिर्फ अपने मजदूरी के ऊपर डिपेंड थी, उन परिवारों को चिन्हित करने के बाद उनके लिए हमने राशन सामग्री उनके घर घर पहुँच कर उनको पहुँचवाई। दूसरी चीज़, जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो उनके लिए हमने स्कूल क्वारंटाइन की व्यवस्था की, स्कूल में भी क्वारंटाइन कराया और जो नॉर्मल एरिया से आ रहे थे उन्हें होम क्वारंटाइन कराया और बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन हमने हाइड्रोक्लोराइड की छिड़काव कराते हर दूसरे तीसरे दिन, जिससे कि अगर कोई छोटे मोटे कीटाणु अगर आ जाते कोरोना के तो वो नष्ट हो जाए। और अभी हम पंचायत पर बरकरार नज़र बनाए हुए कि अगर कोई भारी संदिग्ध एरिया से व्यक्ति आता है तो हम उसको डायरेक्टली आरबीएम को सूचित कर देते हैं, आरबीएम हॉस्पिटल्स के लिए, तो जिससे क्या समय पे उसका इलाज हो जाए और गांव में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। और लोगों को जागरूक करने के लिए बीच बीच में हम कैंपेन्स कर रहे हैं कि इससे वो अवेयर रहें और बीमारी से अपना बचाव कर सकें। तो गांव में राशन वितरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है? गांव में राशन जो हमारे जो डीलर्स हैं उनको भी हमने क्या है बरकरार उनकी टाइट कर रखा है, उनको खबर लेते रहते हैं। जो भी राशन सामग्री गवर्नमेंट के द्वारा भिजवाई जा रही है उसको विधिवत रूप से हम सभी को बंटवा रहे हैं। दूसरा क्या है कि उसके अलावा जिनका खास सुरक्षा नाम नहीं है जिन व्यक्तियों का, ऐसे लोगों की व्यवस्था हम और सभी ग्रामीण अपने 100-200 रुपये इकट्ठे करके जो जिसकी इच्छा होती है उसके हिसाब से उन लोगों की व्यवस्था है हम अपने गाँव स्तर पर कर रहे हैं। तो नरेगा श्रमिकों द्वारा कार्य संचालित है क्या? जैसे कि अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता और जिसकी स्थिति खराब है, ऐसे व्यक्तियों की हमने चिन्हित करके वीडियो साहब से रिक्वेस्ट, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके नरेगा कुछ कार्य इश्यूज कराए और वहाँ पे जो बेरोजगार व्यक्ति उनको रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि उनकी जो दैनिक स्थिति का सुधार हो सके। तो गांव में अभी तक मेडिकल चेकअप हुए हैं कि नहीं हो पाए? मेडिकल चेकअप्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मेडिकल टीम्स के लिए, वो हर चौथे दिन पांचवें दिन जब भी उनके लिए फ़ोन किया जाता है वो अपने आप ही आ जाती हैं और हमारी जो आशा सहयोगिनी है ANM से वो भी बरकरार घर घर जाके सर्वे कर रही है। तो मेडिकल की व्यवस्था भी दुरुस्त है। और दूसरी चीज़ क्या, हमने भी क्या मेडिकल से जो प्राइवेट मेडिकल से नॉर्मल सी बीमारी खांसी जुकाम या थोड़ी बहुत बुखार आ जाता है उन बुजुर्गों को घर जाके उनको दवा दे देते हैं, तो इससे क्या है कि उनको अव्यवस्था ना हो, परेशानी ना हो बाहर जाने की। थैंक यू।